जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बातें कर रहा हूँ आपसे रेगुलर सॉलिड स्टेट के बारे में, तो आज भी मैं इसी टॉपिक पे बात कंटिन्यू करना चाहूंगा आपके साथ। आज का मेरा टॉपिक है बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बारे में भाई? तो यूनिट सेल के बारे में बात करना चाहते हैं। यूनिट सेल क्या भाई? बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक जो मैंने बताया था आपको यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी उस यूनिट सेल की निकालनी है। पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बेसिकली हाउ मच परसेंटेज ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल व्हिच कैन ऑक्युपाई द स्पेस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम इनसाइड द यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। उसका तरीका बताया इसने कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला बताया गया इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, जितने भी एटम प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से, इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल। हम सब जानते हैं यूनिट सेल में 100% स्पेस होता है, उसमें एटम ने कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई किया उसकी परसेंटेज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम फर्स्ट आज करेंगे वो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, चलिए मैं आज करता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखें तो हमारे पास ये यूनिट सेल है, मैंने कोशिश की है क्यूब की तरह बन जाए पूरा, ट्राई कर। आप जानते हैं कि सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक में, ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स इज कॉल्ड एज लेंथ, ए कहलाता है, इज कॉल्ड एज लेंथ, एज की लंबाई एज लेंथ कहलाती है। ये सारे ए हैं, सारे सारे, हम इसे भी ए मान सकते हैं, हम इसे भी ए मान सकते हैं, इसे भी 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 सारे को मान सकते हैं। तकरीबन अगर आप देखें तो तकरीबन इसमें आपको 8, 4, 8 और 12 एजेस मिलेंगे, तकरीबन आपको 4 आगे 4 पीछे और साइड में 2, साइड में तक 12 एजेस होंगे। अब हमें देखना पड़ेगा, पहले हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल। तो एटम यहां पे अगर देखें, एटम हमारे पास, पहले निकालते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें। आप जानते हैं 1/8 × 1 एटम प्रेजेंट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम का फॉर्मूला आप जानते हैं 4/3 πr, क्यों हम इसे स्फीयर ही मानते हैं, इंटू वन एटम, तो 4/3 πr³ आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आप जानते हैं ए क्यूब होता है, एज लेंथ का होल क्यूब। बट प्रॉब्लम यहां पे है कि एज लेंथ ए में है, ए के फॉर्म में है, ये आर के फॉर्म में, या तो हम इसे ए के फॉर्म में चेंज करें या उसको आर के फॉर्म में, ताकि डिवाइड करने में आसानी हो, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। उसका तरीका क्या होगा, देखिए एज लेंथ ए, तो हम ये मानते हैं, देखिए ये स्फीयर आपस में टच करते हैं, ऐसे करीब करीब होते हैं, जो हम इस ए की बात करें इस पॉइंट की, दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये आर होगा और ये भी आर होगा, तो हम ए इक्वल टू यहां पे 2r कह सकते हैं। तो यहां पे हम क्यूब को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2r का होल क्यूब हो सकता है, दैट इज कॉल्ड 4r³ लिख सकते हैं, सॉरी 4 नहीं, 2 × 4 = 8r³ लिख सकते हैं इसको, 8r³ लिख सकते हैं। अब जरा यहां देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम चाहे तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, हमारे पास आया 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वन एटम का वॉल्यूम हमारे पास यहां प्रेजेंट है, अपॉन 8r³ × 100 करेंगे इसे सॉल्व। अब देखिए r³ कट चुका है, 4 × 2 = 8 कट चुका है, तकरीबन आपके पास π/6 × 100 आएगा, जिसे आप 3.14/6 × 100 कर सकते हैं, 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी। इससे यह साबित होता है कि सिंपल क्यूबिक के अंदर 52.4% एरिया जो है इनसाइड यूनिट सेल का वो एटम ऑक्यूपाई करता है, बाकी एरिया इनकी, ये तो दैट इज कॉल्ड। अब सवाल एक पूछते हैं वॉइड क्या होगा भाई, तो वॉइड का मतलब खाली जगह कितने, तो आपको 100 − 52.4 करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसी तकरीबन आ जाएगी 47.6% इसका वॉइड एरिया है।
आई होप यही होना चाहिए, हाँ यही होगा आपको 47.6 एरिया वाइड, तो वाइड और इफिनियन दोनों की हम बात करते हैं। इस तरह से आप पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक का निकाल सकते हैं।